अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो। आज की इस वीडियो में आप लोग जो है सीख पाएंगे कि किस तरह से हम जो है आईज़ पे अपने मेकअप अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा करेक्ट तरीका होता है, सही तरीका होता है आईज़ पर मेकअप करने का। तो चलिए, ये वीडियो आपके लिए बड़ी यूज़फुल होने वाली है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जो है कंसीलर लूँगी, एंड कंसीलर की हेल्प से मैं अपनी आईज़ को सबसे पहले जो है प्राइम कर लूँगी। यानी ये कंसीलर जो है इसलिए अप्लाई किया जाता है आईज़ पर सबसे पहले, ताकि आईज़ पर जब हम कोई भी आई शेडो अप्लाई करें तो वो बहुत ज़्यादा कलरफुल लगे। और उसके अलावा कंसीलर इसलिए आईज़ पे अप्लाई किया जाता है, या आई शेडो प्राइमर जो है सबसे पहले आई मेकअप में इसलिए सबसे पहले अप्लाई किया जाता है, ताकि जो है आईज़ पे जितनी भी डिस्कलरेशन होती है, डार्कनेस होती है, वो इससे दूर हो जाती है। तो इसलिए जो है हम सबसे पहले जो है आईज़ मेकअप में आईज़ पर जो है आई शेडो प्राइमर यूज़ करते हैं, या अगर आई शेडो प्राइमर आपके पास ना हो तो आप कंसीलर को भी एज आई शेडो प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कंसीलर को जो है अच्छे तरीके से अपने आईज़ पर, दोनों आईज़ पर अप्लाई कर लिया है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब इसके बाद मैं इस कंसीलर को पफ की हेल्प से अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दूँगी। तो यहाँ पर जो है मैं इस कंसीलर को अच्छे तरीके से आपस में जो है ब्लेंड कर दूंगी इस ब्रश की हेल्प से। तो अब ये जो है ब्लेंड हो चुका है, उसके बाद जो है मैं इस तरह का एक कम्पैक्ट पाउडर लूँगी, एंड इस कम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से मैं अपने कंसीलर को सेट कर लूँगी। अब हम अपने जो कंसीलर होता है या आई शेडो प्राइमर है उसको आईज़ पे सेट क्यों करते हैं, क्योंकि क्रीम प्रोडक्ट होता है और क्रीम प्रोडक्ट जो है वो क्रीज़ हो जाती हैं। तो इसको इससे जो है इसको अवॉइड करने के लिए, ताकि जो है कंसीलर जो है वो क्रीज़ ना हो, उसके लाइंस ना बने आईज़ के ऊपर, तो हम जो है इस कंसीलर को जो है पाउडर की हेल्प से जो है सेट कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि दोनों आईज़ पे अच्छे तरीके से जो है मेरा कंसीलर जो है वो सेट हो चुका है। तो इसके बाद ये हम करते हैं आईज़ मेकअप में कि हम जो है एक इस तरह का ब्रश लेते हैं, इस तरह का जो जिसको हम फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश बोलते हैं। इस ब्रश की हेल्प से सबसे पहले हम कोई भी लाइट कलर अप्लाई करते हैं आईज़ पर, जो कि हमारी स्किन के साथ मैच करता है। अब इस लाइट कलर को हम लोग ट्रांजिशन कलर बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं ट्रांजिशन कलर सबसे पहले अपनी आईज़ पर अप्लाई कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने लाइट ब्राउन सा शेड लिया है, एंड इसको मैं अपनी आईज़ की क्रीज लाइन पे अप्लाई कर दूँगी। क्रीज लाइन हम उस पार्ट को बोलते हैं आई की कि जहाँ पर जो है एक लाइन सी क्रिएट हो जाती है जब हम अपनी आईज़ को बंद करते हैं और दोबारा क्लोज करते हैं, यानी बंद करते हैं, एंड दोबारा जब ओपन करते हैं तो यहाँ पर एक लाइन सी बन जाती है, तो इस लाइन को क्रीज लाइन बोला जाता है। तो आईज़ में आई शेडो अप्लाई करने में सबसे पहले जो है हम लोग आईज़ मेकअप में सबसे पहले इस क्रीज लाइन को अच्छे तरीके से ट्रांजिशन कलर से डिफाइन करते हैं। इससे हमारी आईज़ को एक अच्छी सी डायमेंशन भी मिल जाती है। तो मैं दोनों आईज़ पे सेम ऐसे ही कर रही हूँ। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैं एक और ब्रश लूँगी इस तरह का। तो इस ब्रश से जो है मैं अपने आउटर कॉर्नर को डिफाइन करूँगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा डार्क कलर लिया है, एंड इस डार्क कलर को मैं अपने आईज़ के आउटर कॉर्नर पे अप्लाई कर दूँगी। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि यहाँ पे बेसिक मैं आपको सिखा रही हूँ कि किस तरह से आप लोग जो है आईज़ मेकअप आपको करना चाहिए। तो इसके बाद जो है मैं ब्लेंडिंग ब्रश लूँगी दोबारा से, एंड इन दो आई शेड्स को मैं आपस में ब्लेंड कर दूँगी। ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ताकि कोई भी हार्श लाइन नज़र ना आए।
अब मैंने दोनों आई शेड्स को अच्छे तरीके से आपस में ब्लेंड कर दिया है। इस तरह से सर्कुलर मोशन में ब्रश को रोटेट करके एंड इस तरह टू एंड फ्रो मोशन से जो है हम दोनों आई शेड्स को आपस में अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे ताकि हमारा आई मेकअप जो है वो बहुत स्मूथ लगे। तो इसके बाद नेक्स्ट में जो है दोबारा से जो है एक ब्रश लूँगी इस तरह का, जो कि फ्रंट से फ्लैट होता है, इसको हम आई शेडो ब्रश बोलते हैं। एंड इस ब्रश की हेल्प से मैं अपनी आई लिड पर कलर अप्लाई करूँगी, आई शेड अप्लाई करूँगी। आई लिड जो है हम आउटर कॉर्नर की इस पार्ट मतलब आईज़ की इधर मिड से लेकर यहाँ तक जितना भी पार्ट होता है इस पार्ट को हम जो है आईज़ की आई लिड बोलते हैं, आई लिड एरिया बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं एक ब्यूटीफुल सा आई शेडो अप्लाई करूँगी। यहाँ पर मोस्टली हम शिमर शेड या ग्लिटर शेड अप्लाई करते होते हैं, तो यहाँ पर मैं एक बहुत ब्यूटीफुल शेड लूँगी। तो आज मैंने यहाँ पर पर्पल शेड लिया है, पर्पल शिमर शेड लिया है एंड इसको मैं अपनी आई लिड पर अप्लाई कर दूँगी। मैं जो आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ वो रिवाज की है, ये वाली, ये रिवाज की पैलेट है। ये बहुत ही पिगमेंटेड है। अगर आप लोगों को ये अगर आप भी ये पैलेट यूज़ करेंगे तो आपका मेकअप भी है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। तो मैं ये आज ये वाली पैलेट यूज़ कर रही हूँ एंड जो है इसके बाद जो है जितना मुझे जो है पिगमेंट चाहिए मैं दोबारा से उसको रीअप्लाई कर लूँगी। अब मैं सेकेंड आई पे भी सेम यही कलर शिमर पर्पल शेड अप्लाई कर रही हूँ। उसके अलावा मैं अपने चैनल पे जो है बहुत सारी आई मेकअप से रिलेटेड मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको ज़रूर जो है वॉच कर लें ताकि आप आई मेकअप जो है अच्छी तरह से सीख पाएँ, क्योंकि गर्ल्स को जो है सेल्फ मेकअप आना ही चाहिए ताकि अगर किसी की वेडिंग वगैरह में जाना हो तो हम अपना मेकअप वो अपना मेकअप जो है ख़ुद ही कर सकें। तो यहाँ पर मैं जो है इस तरह का ब्रश लूँगी एंड जितना भी एक्सेस फॉल आउट हुआ है आई शेडो का उसको रिमूव कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं ये मैंने कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये करेंगे कि मैं इस तरह का स्मॉल ब्रश लूँगी एंड इसकी हेल्प से मैं जो है ब्यूटीफुल सा आई लाइनर ड्रा कर दूँगी। अब आई लाइनर जो है हम मोस्टली इसलिए अप्लाई करते हैं आईज़ पर ताकि हमारा आई मेकअप जो है वो ज़्यादा एट्रैक्टिव लगे एंड जो है हमारी आईज़ जो है वो इससे ज़्यादा बिग लगती हैं, यानी कि बड़ी लगती हैं। तो इसलिए जो है हम आई लाइनर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं ब्लैक कलर का जेल लाइनर जो है अपनी आईज़ पर अप्लाई कर लूँगी। अब इसी तरह का आईलाइनर जो है मैं सेकंड आई पे भी ड्रा कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों आईज़ पे जो है जेल आईलाइनर, जेल ब्लैक आईलाइनर यूज़ कर लिया है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जो है एक और मैं ब्रश पिक करूँगी इस तरह का, जो कि फ्रंट से जो है तिरछा होता है, इसको हम एंगुलर ब्रश बोलते हैं। एंड इस ब्रश की हेल्प से जो है मैं अपनी इनर कॉर्नर को एंड आईब्रो बोन को हाईलाइट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने सिल्वर कलर का हाइलाइटर यूज़ किया है, ये वाला, एंड इस सिल्वर हाइलाइटर से जो है मैं इनको अपनी ब्राउ बोन को एंड इनर आई की जो इनर कॉर्नर होता है इसको हाईलाइट कर दूँगी। अब यहाँ पे हम हाइलाइटर इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि इससे भी हमारी आईज़ जो है वो ज़्यादा लिफ्टेड लगती हैं और ब्यूटीफुल लगती हैं।
तो ये मैंने कर लिया है। अब इसके बाद जो है लास्ट में जो है मैं अपनी आईब्रो को जो है डिफाइन करूँगी, अपने आईब्रोज़ को ड्रॉ करूँगी। आईब्रोज़ को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैंने इस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, उसके बाद यहाँ से मैंने इसको जो है इसको यहाँ पे एक आर्च क्रिएट कर दी है। उसके बाद मैं ऊपर भी सेम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करूँगी जो इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल होगी, एंड यहाँ से इसको दोनों लाइंस को आपस में मिला दूँगी। तो अब ये इसके दरमियान में जो जितना एरिया बचा है इसको मैं इस फिल कर लूँगी। यहाँ पे मैं ब्राउन कलर की ब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। अगर आप इसी ब्राउन कलर की ब्राउन शेड की पेंसिल इस्तेमाल करते हैं, ब्राउन पेंसिल इस्तेमाल करते हैं, तो इससे फेक लुक क्रिएट नहीं होती बल्कि रियल लगता है। एंड आई मेकअप जो है वो बहुत सॉफ्ट लगता है। तो आप लोग भी जो है ब्राउन पेंसिल यूज़ करें, ब्लैक जो है बिल्कुल यूज़ ना करें क्योंकि ब्लैक से जो है एक फेक लुक क्रिएट हो जाती है। फ्रंट से जो है हम लाइटली अप्लाई करते हैं ताकि जो है नेचुरल लुक आए। अब इसी तरह से जो है मैं सेकंड आई पे भी जो है कर लूँगी। मेकअप ये एक आर्ट होता है, अगर आप इसको इंटरेस्ट लेके करेंगे तो ये आपके लिए करना बहुत इजी हो जाता है। एंड उसके अलावा अगर आप मेरी वीडियोस को देखेंगे रेगुलरली, क्योंकि मैं जो है अपने चैनल पर रेगुलरली वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ एवरी मंडे एंड फ्राइडे को, तो आप जो है मेरी वीडियोस को ज़रूर वॉच किया करें, ये आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल साबित होंगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों आईब्रोज़ को जो है अच्छे तरीके से ड्रॉ कर लिया है, डिफाइन कर लिया है। अब इसे जो है मेरी आईज़ बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। तो उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित हुई होगी, अगर आपने लोगों ने जो है ज़रूर कुछ सीखा होगा आई मेकअप के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।